love the chase and the hunting. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार। क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों को देख के। और सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है ओके लाइफ केयर की तरफ से। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ यहाँ पे। और आज जानेंगे हम इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई और आज तक का इसका सफर, क्योंकि हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। तो जो लोग नए जुड़े हैं उनको भी पता होना चाहिए कि ये कंपनी कैसे शुरू हुई थी। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। सो वेलकम है सभी लोगों का यहाँ पर सबसे पहले। उसके बाद जर्नी ये शुरू हुई थी, दो नवंबर 2016 कंपनी शुरू हुई थी। और इसके जो सोच है, इसके पीछे जो सोच थी वो काफी समय से चल रही थी।
लेकिन एक जो लीगल चीज़ें होती हैं इनकॉर्पोरेशन जिसे हम कहते हैं वो 2 नवंबर 2016 को हुआ था। और किस्मत की बात देखिए, 2 नवंबर 2016 को हमने कंपनी को लॉन्च किया था और पहला हर्डल जो हमें आया था वो 8 नवंबर को आया था, जबकि डीमोनेटाइजेशन हुआ था। yes. और हमारे पास कैश नहीं था। अब आप सोचिए उस समय क्या हाल था जब हमारे पास कैश नहीं था और कंपनी अभी शुरू हुई थी। लेकिन मेहनत और दृढ़ निश्चय, जो कि जिसमें हमारे जो टॉप लोग हैं श्री डी के सारन जी, डॉक्टर विक्रांत जी और हुडा सर, है ना, इन्होंने उस समय क्या इनकी मन की स्थिति होगी कि जैसे ही कंपनी लॉन्च की वैसे ही डीमोनेटाइजेशन हो गया। फिर भी ये लोग काम करते रहे, लगे रहे, मेहनत करते रहे और इस चीज को इन्होंने बहुत आराम से पार किया। और उस साल जब हमने साल एंड किया, क्योंकि नवंबर और दिसंबर डेढ़ महीने की बात थी, तो डेढ़ महीने का जो हमारा टर्नओवर था वो करीब 31.59 लाख था और उस समय हमारे पास 43 प्रोडक्ट्स थे। सो बिना पैसे के 31 लाख का टर्नओवर करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद 2017 आया और 2017 में क्या हुआ, इकोनॉमिक ब्लॉकेड फिर से आया और टैक्सेशन सिस्टम चेंज हुआ। सो वैट से हम लोग जीएसटी पे आए। सो पूरी जो प्रणाली थी उसको चेंज करना था और जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं था कि है क्या। सो प्रोडक्ट्स के ऊपर जो वैट होता था उसको जीएसटी में अगेन वही सारी एक तरह से दोबारा कंपनी लॉन्च हमने की 2017 में, समझ लेते हैं, है ना। उसके बाद 4.76 करोड़ का हमारा टर्नओवर था 2017 में और हमारे पास करीब प्रोडक्ट्स थे 100। उसके बाद 2018 जब हमारा एंड हुआ तो 3.57 करोड़ का हमारा बिजनेस था और 137 प्रोडक्ट्स थे हमारे पास। 2019 आया और दो चीजें हुई, सो सैड भी था और हैप्पी भी था, मतलब हैप्पी थोड़ा कम था, सैड थोड़ा ज्यादा था। हमारे जो फाउंडर मेंबर थे, जो फाउंडर डायरेक्ट सेलर थे श्री आर दहिया जी, उनकी एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई, उसकी वजह से श्री डी के सारन जी ने लीगेसी इनकम क्रिएट की सिस्टम में और उसमें वो जो उनकी आईडी थी वो उनके बेटे सूरज दहिया को ट्रांसफर हुई। उसके बाद कई ऐसे केसेस आए हैं जो यहाँ पर नहीं है, स्लाइड में नहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ। एक बहुत ही जवान लड़का था, जयपुर में था, उसकी डेथ हुई तो उसकी आईडी हमने उनकी वाइफ को दी और कंपनी की तरफ से उनको कुछ मॉनेटरी सपोर्ट भी दिया गया। और अभी हाल ही में नॉर्थ ईस्ट में एक लड़का था तो वो बिजनेस के लिए जा रहा था, 4-5 लोग थे तो गाड़ी में उनका एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी जो थी वो ब्रिज से गिर गई और उसमें उस लड़के की डेथ हो गई एक की। तो उसी समय जैसे ही सारन जी को पता चला तो उसी समय हमने 2 लाख रुपया उनकी वाइफ को भिजवाया और अभी लास्ट में जब मैं वहाँ पर गया था तो उनका बेटा हुआ है और बॉस ने एक मैं एक तो डीपी उसी 5 लाख का स्टोर उनकी वाइफ को गिफ्ट किया है ताकि वो परिवार चलता रहे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो डीके सारन जी सोचते हैं और वो हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं तो 2019 एंड हुआ, 42.15 करोड़ का हमारा टर्नओवर था, 174 प्रोडक्ट्स थे, हमने बेटर यू लॉन्च किया, फ्यूल रेंज लॉन्च किया और ओके स्माइल लॉन्च किया।
उसके बाद 2020 अगेन इकोनॉमिक ब्लॉकेट हुआ, नेशन वाइड लॉकडाउन हुआ कोरोना की वजह से, और जैसे ही ये हुआ अगेन, जैसे ही कुछ होता है हमारे सारंसर के जो दिल है वो काम करने लगता है, दिमाग तो करता ही है दिल भी काम करने लगता है। तो जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो उनको यही लगा कि अब क्या होगा, जितने परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी इनकम का क्या होगा। सो सबसे पहला उन्होंने क्या काम किया, सबसे पहला उन्होंने एडवांस पे आउट किया, किसी कंपनी ने आज तक एडवांस पे आउट नहीं दिया, किसी भी कंपनी ने आज तक एडवांस पे आउट नहीं दिया, डीके सारंग जी ने एडवांस पे आउट दिया। साथ ही साथ हमने उन्होंने कोरोना रिलीफ फंड स्टार्ट किया जो कि प्लान के अलावा है, और ये 11.5% बॉस अपने प्रॉफिट में से देते हैं। वैसे ही हमारा प्रॉफिट बहुत कम है, आपने देखा है हमारे प्रोडक्ट बहुत अफोर्डेबल है और उसपे हम डीवी भी देते हैं, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन वैसे ही बहुत कम है, उसमें से भी 11.5% बॉस ने अपने प्रॉफिट में से कोरोना रिलीफ फंड दिया जो आज नहीं दे रहे हैं, आज तक वो चल रहा है बट ये प्लान का हिस्सा नहीं है, दिस इज अदर देन दी प्लान। उसके बाद 2022 में जब लॉकडाउन चल रहा था तो हमारा हेड ऑफिस बन रहा था और हमने नया हेड ऑफिस इनॉग्रेट किया। इस लॉकडाउन से हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, लॉकडाउन में हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, जिसमें सबसे पहला था इन्वेंटरी मैनेजमेंट, क्योंकि कभी हमने सोचा नहीं था कि इस तरह से लॉकडाउन हो जाएगा और 6-8 महीने रहेगा। आज की डेट में सारंसर की वजह से हमारे पास कम से कम 8 महीने की इन्वेंटरी है, कम से कम आप ये देख रहे चलो कि 150 करोड़ की सिर्फ इन्वेंटरी है हमारे पास। कभी भी लॉकडाउन लगता है तो 8 महीने तक कोई भी प्रोडक्ट की प्रॉब्लम नहीं। अब ये अच्छाई खंडेलवाल जी का हो रहा है, नुकसान भी है क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे एक्सपायर भी हुए, क्योंकि हमने तो इन्वेंट्री रखनी है ना, सो वो नुकसान भी किसने झेला है, सारा सर नहीं झेला है ना। सो हेड ऑफिस हमारा यहाँ इनॉग्रेट हुआ, उसके बाद वेयर हाउसेज हमने बनाए, ये सब लॉकडाउन ने किया, लोग घर में बैठे थे और यहाँ पर आपकी टीम काम कर रही थी। अंबाला वेयर हाउस बनाया हमने, गुवाहाटी वेयर हाउस बनाया, कैलकटा बनाया, अंबाला बनाया, अहमदाबाद बनाया और रोहतक हेड ऑफिस में भी बनाया है। साथ ही साथ हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है एस्टोनिया लैब्स, तो जिस भी प्रोडक्ट में आप एस्टोनिया रिपोर्ट देखेंगे तो वो हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। राइट नाउ अगर हम आज की बात करें तो हमारे पास 240 के करीब प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें से 75% हम अपने बनाते हैं। एक अगर हम आरबीओ और चरखाइयों को छोड़ दें तो मैक्सिमम चीजें हम खुद बनाते हैं। सो 2020 124 करोड़ 223 प्रोडक्ट्स, हर्बल फार्मास्यूटिकल्स हमने लॉन्च किया, बेटर यू का एक्सपेंड किया, ब्रेव किड्स लाए, नूडल प्लस लाए, बेटर होम है, स्वीटलेस है और हाई हनी है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसमें ऐसे हैं जो हमारे पेटेंटेड हैं, आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेंगे, है ना। और ये किसकी वजह से हुआ है, ये डॉक्टर जो हमारे दो हैं पढ़े लिखे लोग हमारी कंपनी में, डॉक्टर नरेश और डॉक्टर विक्रांत, तालियां तो इनके लिए होनी चाहिए। जोरदार ब्लॉकेट आया 15 अप्रैल को, दोबारा से हुआ और हमने क्या किया, उसके बाद हमने ऑफिशियल एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया। सो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अभी हमने इसको रिवैम्प किया है, ओके अकेडमी बनाया है इसको दोबारा से रिवैम्प करके, और इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक। और 21-22 की अगर हम बात करें तो हमने गुवाहाटी में रीजनल ऑफिस बनाया है, करीब 4,000 स्क्वायर फुट का ऑफिस है, वो रीजनल ऑफिस है,
ब्रांड एम्बेसडर्स हमारे एडवर्टीजमेंट आए हैं टीवी में, जिसमें कि गौरी खान और रणदीप हुड्डा हैं। ओके से खरीदो वेबसाइट लॉन्च किया है, ओके लाइफ केयर ऐप लॉन्च किया है, ब्लैक पाउंड नमकीन की रेंज लॉन्च की है, एग्रीकल्चर लॉन्च किया है, हर्बो न्यूट्री से पीने वाली चीजें ज्यादा कुछ हमने लॉन्च की है, उसके बाद फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट किया है और वेयरहाउस फैसिलिटी हेड ऑफिस भी हमने बनाई है। सो अपकमिंग अगर हम बात करें तो रीजनल ऑफिस 3 लाइन में है, लाइनअप है अभी कैलकटा, दिल्ली और बेंगलुरु। हमारी R&D टीम ने, हमारी पैकेजिंग टीम ने, हमारी डिजाइनिंग टीम ने, विक्रांत जी ने, हमारे विवेक जी ने, साहिल जी ने, रविंदर जी ने, सबने मिलके, शरीफ जी ने इतना अच्छे से तैयार किया है ना, मैं आपको ये कह रहा हूं आज जो प्रोडक्ट आने वाले हैं वो अगले कुछ महीनों में आपके बिजनेस को शायद 3 या 4 गुना करने वाले हैं। पहली तैयारी क्या है? प्रोडक्ट्स, क्योंकि बिजनेस किसके दम पे होता है, तो पहली तैयारी क्या है हमारी। अब हम बात कर रहे हैं दूसरी तैयारी की। दूसरी तैयारी क्या होनी चाहिए? एजुकेशन, ट्रेनिंग, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की रीढ़ की हड्डी अगर कोई चीज है तो वो है एजुकेशन सिस्टम। कौन कौन एग्री करता है मेरी स्पॉन्स? थैंक यू। यहां पे हम लोगों ने बहुत ही शानदार एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम क्या है? ओके वो कैसे काम करेगा इसके बारे में भी आपको जानने को मिलने वाला है, क्योंकि मैं एक ही चीज कह रहा हूं, आज हम तालकटोरा में आए हैं तो ये ऐलान करने के लिए आए हैं कि अब हम तैयार हैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पे आउट देने के लिए। तीसरी चीज लॉजिस्टिक सर्विसेज अवेलेबिलिटी, उसके लिए भी हम बहुत तेजी से तैयार हैं और उसके बारे में भी आप जानेंगे कि हम क्या काम कर रहे हैं डिलीवरी का। बहुत सारे शहर ऐसे होने वाले हैं जहां पे हो सकता है आपको सेम डे या नेक्स्ट डे भी माल मिलना शुरू हो जाएगा अगले कुछ दिनों में। वहां पे हम कैसे काम कर सकते हैं, किस तरीके से काम कर सकते हैं, उस डिपार्टमेंट के बारे में आपको सिर्फ जी से जानने को मिलेगा। मतलब पहली तीन चीजें मैं बोल रहा हूं, पहली चीज क्या है? प्रोडक्ट्स। दूसरी चीज क्या है? एजुकेशन। तीसरी चीज क्या है? अवेलेबिलिटी, सर्विसेज, लॉजिस्टिक। और उन तीनों में हमने जो काम किया है वो अगले 1 या 2 महीने में आपको बहुत कमाल का डिफरेंस दिखाने वाला है। उसके बाद मैंने हमेशा कहा ये इंडस्ट्री बहुत छोटी इंडस्ट्री है, अभी बहुत बड़ी नहीं हुई है, ऑलमोस्ट हर शहर के लीडर्स एक दूसरे को जानते हैं, सो ये सुनो। लेकिन अभी तक चैलेंज क्या था इस इंडस्ट्री के अंदर, हर कंपनी ने अपना एक सेगमेंट पकड़ा, किसी ने हेल्थ का, किसी ने कॉस्मेटिक का, किसी ने हाइजीन का, किसी ने FMCG का, कोई सस्ते पे चला, कोई महंगे पे चला, कोई बीच वाले पे चला, कोई हेल्थ को टारगेट कर रहा है, कोई एलोवेरा को टारगेट कर रहा है, कोई किसी जूस को टारगेट कर रहा है, कोई दाल नमकीन चावल को टारगेट कर रहा है, हर कोई अलग अलग सेगमेंट पे काम कर रहा है। हेलो, और हर एक सेगमेंट पे काम करते हुए वो सारी कंपनीज अपने हिस्से का टर्नओवर। अब मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं, हर कंपनी में बिकने वाला जो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, मैंने 2 साल पहले भी बोला था, आज फिर से बोल रहा हूं, उनसे बेहतरीन प्रोडक्ट, उनसे बेटर फॉर्मुलेशन के साथ, उनसे बेटर प्राइसिंग के साथ, उनसे बेटर पैकेजिंग के साथ, लुक और फील के साथ, आने वाले दिनों में आपको ऑलमोस्ट हर कंपनी के की प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकने वाले, जिनकी अपनी एक मार्केट है, अपनी एक सेल है, आपको मिलने वाले हैं कंपिटेटिव प्राइस पे, बेहतर क्वालिटी के साथ, बेहतर लुक एंड फील के साथ। और मेरा एक चीज का मानना है, जब मार्केट बनी हुई है तो उसे अपनी तरफ मोड़ लो। नया रेट बनाना, नया वेट बनाना, नया प्रोडक्ट बनाना, नई रीत बनाना, नई एजुकेशन प्रोग्राम लेके आना, ये बहुत अच्छी बात है, ये हमारे यहां पे भी होता रहेगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, जो पटरी बाजार में बिछी हुई है अगर उसमें अपनी ट्रेन चलने लग जाएगी तो ज्यादा लोग मंजिल पे पहुंचना शुरू हो जाएंगे।
बहुत सारे लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग, डी के साथ बहुत सारी बातें करते हैं ऐसी जो पॉसिबल ही नहीं लगती। तो मैं आज फिर एक चीज कह रहा हूं, हमारा मुकाबला कल भी किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ नहीं था, आज भी और आने वाले कल में तो बिल्कुल नहीं रहेगा। अभी तो हो सकता है कोई सोच रहा हो हम कंपटीशन में हैं, हम कंपटीशन में, आने वाले साल दो साल के बाद कोई कंपटीशन में रहने वाला नहीं है साहब। जब हम 5.5 साल में इस पोजीशन में हैं तो भूल जाओ अगले 5.5 साल बाद हमारे आसपास आ सकते हैं। उसका रीजन है बहुत क्लियर, उसका रीजन मालूम है क्या है? इस कंपनी में पहली चीज जो इस कंपनी को सबसे बेहतरीन बनाती है, हमारे पास जब हम R&D की बात करते हैं तो सबसे बेहतरीन टीम है डॉक्टर विक्रांत नरवाल जी के लीडरशिप में, जो हमारे को अच्छे अच्छे अलग अलग बेहतरीन प्रोडक्ट देती है। हेलो, जब हम डिजाइनिंग की बात करते हैं तो विवेक सहारन के तौर पे हमारे पास एक ऐसा लीडर है डिजाइनिंग में, जब वो प्रोडक्ट लाखा है ना निकाल के, तो कई बार मुझे यकीन नहीं बनता कि ये हमारे ऑफिस में बना है। आज भी ऐसा कुछ होने वाला है, वो प्रोडक्ट देख के मैं 4 बार सोच रहा था ये ओकी लाइफ केयर के प्रोडक्ट है। और जब आप देखोगे ना तो आप बड़े से बड़े फन्ने खा के सामने जाके बोलना ये देखो ये ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट। जहां पे हम लोग एजुकेशन ट्रेनिंग्स की बात करें तो हमारे पास नितिन चांदना जैसा एक एक्सपीरियंस्ड लीडर है जो इस सेगमेंट में बहुत अच्छा काम करता है, राइट? अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस की, सिस्टम की। मैं हमेशा कहता हूं समटाइम्स गॉड इज विद यू और अच्छे लोग आपके साथ आना शुरू हो जाते हैं। तो यहां पे हमें मिला पिछले कुछ महीने पहले मिस्टर इमदादुल्ला शरीफ जी, उनके आने से भी हमारे सिस्टम में बहुत चीजें इंप्रूव हुई। एंड बिलीव मी, ये टीम है ना जब काम करती है, ये टीम जब काम करती है तो दिन रात नहीं देखती है, मैंने पिछले एक महीने में देखा है। क्योंकि एक महीना पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ताल कटोरा में 20 से 30 प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। कितने करेंगे? और आपको एक बात बोलूं, इन्होंने मुझे चौंका दिया ये कह के कि हम 1/2 सेंचुरी मारने वाले हैं। जब आपका ऑपरेशन अच्छा हो, जब आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो, जब आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट अच्छा हो, जब आपकी R&D अच्छी हो, जब आपका डिजाइनिंग डिपार्टमेंट अच्छा हो, जब आपका पैकेजिंग डिपार्टमेंट अच्छा हो, जब आपका CRM डिपार्टमेंट अच्छा हो, तो उसके बाद जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है लीडरशिप। लीडर्स, उसमें हमारे पास कमाल के लोग हैं। चाहे हम बात करें अखिलेश सिंह की, चाहे हम सोनम जसवाल की बात करें, चाहे हम मनोज परिहार की बात करें, चाहे हम ध्रुव ज्योति कश्यप की बात करें, चाहे हम विवेक कृष्णा की बात करें, आदित्य की बात करें, आपके लोग आए हैं, आपके लोग आए हैं। और अच्छी बात पता क्या है, बताने वाले हैं, राइट? चाहे हम बात करें आदित्य कोल की, अच्छा आपके भी आए हैं, चाहे हम बात करें दीपा प्रतीक की, ये सब वो लीडर हैं जो यहां पे आके अपनी लाइफ का सबसे बड़ा पे आउट, चाहे हम बात करें
हमारी नई लीडरशिप की, चाहे हम बात करें पुरानी लीडरशिप की, हम बात करें दिगांता काकती की, हम बात करें विक्रांत सिंह की, हम बात करें सूरज दहिया जी की, क्योंकि सेकंड जनरेशन में जाके जो बिजनेस आपने कभी नहीं किया उसको करने की ठानना भी बड़ी हौसले की बात होती है। शायद इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा ये डायरेक्ट सेलिंग करेंगे। और सबसे बेहतरीन चीजें फिर होना शुरू हुई जब एक नई लीडरशिप हमारे साथ आना शुरू हुई, चाहे वो हम वरिंदर की बात करें, काफी आए, चाहे हम मिस्टर नागेश्वर की बात करें, चाहे हम यहां पे शायद नहीं है उनके घर में बेटी हुई है तो बहुत ही खुशी है, हम सब भी उसे बधाई देते हैं, लालडिंग की बात करें मिस्टर लालडिंग की, और फिर चाहे हम बात करें सुमित बत्रा जी की, आइस ऑन द केक मालूम है क्या है, इस इंडस्ट्री में सालों से काम करने वाले, 15 किताबें लिखने वाले, चाहे हम बात करें मिस्टर एंड मिसेस सूर्य सिन्हा की, ये इतनी बड़ी बड़ी लीडरशिप पता क्यों आ रही है, क्योंकि आप लोगों ने वैसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया कि इन्हें आना पड़ा। ये किसी कमजोर कंपनी में नहीं जाते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो दहिया साहब ने बोला था ना बड़े बड़े लीडर्स आएंगे, उसकी शुरुआत है, क्योंकि ऐसी लीडरशिप भी किसी और कंपनी के पास आज के समय में हिंदुस्तान के पास नहीं है। जो नाम मैंने लिए हैं ये बाकमाल है। तो मैं एक ही चीज कहता हूं, जब आप बड़े बनते हैं तो बहुत सारी खूबियां होती हैं, जब आप नीचे गिरते हैं तो बहुत सारी खामियां होती हैं। जब हमारा डिजाइनिंग डिपार्टमेंट से लेकर मार्केटिंग डिपार्टमेंट तक इतना स्ट्रांग है, हमें हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पे आउट देने से रोकेगा कौन? ये सफर आसान नहीं था, ये सफर आगे भी आसान होने वाला नहीं है। हम चाहे प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, हम चाहे लॉजिस्टिक पे बात कर रहे हो, हम चाहे ट्रांसपोर्टेशन पे बात कर रहे हो, हम चाहे स्टोर्स की बात कर रहे हो, हम चाहे ओके हब की बात कर रहे हो, हम चाहे ओके स्टार्टअप की बात कर रहे हो, हम चाहे ओके इंपैक्ट जो हमारी एक और नई सीरीज आने वाली है उसकी बात कर रहे हैं, वहां पे बहुत सारी ऐसी नई चीजें हम लोग डेवलप कर रहे हैं जो आने वाले कुछ समय के अंदर अभी आपको दिखाई देंगी, और आपका मन, आपकी आत्मा आपको चिल्ला चिल्ला के बोलेगी कि अब आपको यहां कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। और मैं हमेशा कहता हूं, कामयाब वो नहीं होता जिसे कोई दूसरा करना चाहता है, कामयाब वो होता है जिसकी आत्मा चिल्लाना शुरू कर देती है तू कामयाब होना चाहिए। जर्नी अभी शुरू होने वाली है, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन मैं फिर एक चीज कहने वाला हूं, ये दिन आप लोगों का दिन है। बात बताने के लिए काफी है कि आने वाला कल कैसा होने वाला है। सो प्लीज वेलकम मिस्टर एंड मिसेस सुमित
पटना। गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। सोनिहार, सत श्री अकाल। ये आवाज को पिछले 5 साल से लगातार सुन रहा हूं। मैंने सही में जाना ना आपको। सो वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन एवरीवन, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अमेजिंग ऑनर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डीके भाई को, बिकॉज एक चीज और बाकी है। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। टुडे वेरी हैप्पी बर्थडे। टुडे वेरी हैप्पी बर्थडे। तो आज मुझे कितने साल हो गए? आई थिंक दिस इज द हैप्पीएस्ट बर्थडे, वन ऑफ द हैप्पीएस्ट बर्थडे। यस यस यस। तो माय फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं डीके सहारा जी को दिल की गहराइयों से थैंक यू बोलना चाहूंगा, बिकॉज जो मैंने आज ओके को देखा है। इनफैक्ट डीके जी, डीके भाई को मैं पिछले बहुत सालों से जानता हूं, और हमारी खास इस इंडस्ट्री को लेकर मुझे 2 साल 2.5 साल से बड़ी लंबी लंबी बातें होती थी। ना तो ओके की बात करते थे ना मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करता था, बट जो बातें वो बोलते थे वो बातें थी थोड़ी अलग। जो डायरेक्ट कह रहे थे जनरली नहीं सुनता मैं कभी किसी सीईओ या किसी चेयरमैन के बोलते, जैसे कि सोनम ने बोला या बाकी सब लोगों ने बोला, अफोर्डेबिलिटी की बातें करते थे। तो मैं 22 साल से दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ, पिछले 22 ईयर में डायरेक्ट सेलिंग मैंने अफोर्डेबल नाम की चीज मैंने डायरेक्ट सेलिंग में सुनी नहीं। मैं इस चीज का एक क्वेश्चन मार्क लेकर चलता था हमेशा कि यार कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट 500 रुपए में बेचा जा सकता है वो डायरेक्ट सेलिंग में आते 1500 का क्यों हो जाता है, ये मेरे मन में सवाल है। लेकिन जिस भी डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन को आप देखते हो, सबका सेम कॉन्सेप्ट है, सबके प्रोडक्ट में जुड़े गए। अब डीके जी जो बात कर रहे थे वो बोलते थे अफोर्डेबिलिटी के ऊपर बात कर रहे थे, तो थोड़ा नया सा लगता था। और हम
जनरली लोगों को जो डायरेक्ट सेलिंग में सिखाते आ रहे हैं किसी फ्रेशर या किसी नए इंसान को कि हम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर जो पैसा बीच का होता है वो पैसा हम डायरेक्ट सेलिंग में एक कॉम्पनसेशन प्लान में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या था कि जब वो प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में आता था तो वो प्रोडक्ट जो 100 रुपए का एक नॉर्मल मार्केट में बिक रहा है वो प्रोडक्ट 300 से 400 रुपए का डायरेक्ट सेलिंग में बिकता था, लेकिन उसके साथ एक कहानी जुड़ जाती थी बढ़िया से, उस कहानी की वजह से प्रोडक्ट बिकता था और कहानी सुनाने वाले हमारे देश में कहानी है। अब कहानी ये थी कि बीके जी बोलते थे यार मैं ना कस्टमर फ्रेंडली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से रहा हूं, कस्टमर फ्रेंडली जिसका कस्टमर परमानेंट उस लीडर की इनकम परमानेंट, जिसका कस्टमर परमानेंट उस लीडर की इनकम परमानेंट। अभी बातें सुनने में बड़ी अच्छी अगर ऐसा हो गया, क्योंकि हमने तो ये देखा था कि कस्टमर तो परमानेंट होता ही किसी का, आज आपका हो गया तो बोले कि अगर लीडर को परमानेंट कंसिस्टेंट इनकम देनी है तो कस्टमर को एक ऑटो मोड पर खरीदना सिखाना पड़ेगा और कस्टमर को कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि मैं महंगा खरीद रहा हूं, तो सबसे बड़ा मजा आ गया। दूसरा, जब अपने कॉम्पनसेशन प्लान को लेकर के बातें करते थे तो मैं कभी भी कॉम्पनसेशन प्लान को ना समझ नहीं पाता था, यार इनकम दोगे कैसे आप, आपके पैसा दोगे कैसे इतना लोगों को, तो बोलता नहीं मैं दूंगा लेकिन ये प्लान ऐसे चलेगा, ये होगा वो होगा, चलो ठीक है देखते हैं। एनी हाउ फ्रेंड्स, मैंने जिंदगी में स्ट्रगल से सक्सेस सब कुछ देखा, सब कुछ देखा, लेकिन जब मैंने ओके लाइफ केयर के साथ काम करने का डिसीजन लिया उसके पीछे दो तीन बड़े कारण थे, बड़े कारण आपको बता दो। पहला बड़ा कारण, बिकॉज आप में से जो भी लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, आई एम अ प्रोडक्ट लवर, मैं प्रोडक्ट डायरेक्ट से लगा, मुझे कोई बोले सिर्फ जोड़ने से पैसा कमा ले तो मेरे से नहीं हो पाया, कभी नहीं हो पाया। मुझे तो बोले तो कुछ भी चूरन बेच दे, चटनी बेच दे, पैसा कमा ले, मेरे से नहीं हो पाया। प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के पीछे साइंस चाहिए, खाली ड्रामा नहीं चाहिए उसके पीछे, स्टोरी नहीं चाहिए, साइंस चाहिए उसके पीछे। तो मैं विक्रांत जी आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि जब डीके जी ने आपसे पहली बार मिलवाया, जब मेरी डिस्कशन उनके साथ हुई थी तो मुझे लगा यार साइंस का ऐसा, जिस भी डायरेक्शन की कंपनी में काम कर रहे होता है उनका साइंस तो वही ऐसा है, और तो दुनिया में नहीं साइंस, लेकिन विज्ञान और भगवान सबका है, विज्ञान और भगवान सबका है। तो विक्रांत जी से मिला, इन्होंने मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया और जो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया वो किया हर्बल फूड सिंपल, हर्बल फूड सिंपल सिंपल जो इंग्रेडिएंट्स के ऊपर हमने बात की मेरे साथ, जैसे हम हार्ट फूड की बात कर रहे थे, हम ब्रेन फूड की बात कर रहे थे, तो ब्रेन फूड मेरे सामने आया तो मुझे लगा यार मैंने 22 साल हेल्थ एंड वेलनेस में काम किया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, मैंने ब्रेन के ऊपर काम करने वाला प्रोडक्ट किसी भी कंपनी को आज तक बनाते हुए देखा नहीं, आपने देखा किसी देखा ब्रेन के लिए स्पेशली ब्रेन को रिलेटेड नहीं दिया, लेकिन प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन अच्छी है, यू नो हार्ट फ्लू की फॉर्मुलेशन अच्छी है, लीवर फ्लू की फॉर्मुलेशन बहुत अच्छी है, जो जो इन्होंने यूज की चीजें सारे बड़ी कमाल की मॉलिक्यूल लेवल पर जाकर एक प्रॉपर बैलेंस फॉर्मुलेशन यूज किया, जो प्रोडक्ट है वो जानदार होते तब तक यूज नहीं किया था मैंने, बातें जानदार है, बातें बहुत साइंटिफिक लगी, R&D अपनी है, एक चीज अपनी है, लेबोरेटरी अपनी है, मैन्युफैक्चरिंग अपनी है, सब कुछ अपना है। अब हार्ट फ्लू की बात हो रही है, जैसे जनरल मार्केट में अगर देखेंगे तो ओमेगा 3 को भी बहुत बड़ी चीज माना जाता है हार्ट के लिए, दुनिया भर में हर डायरेक्ट सेलिंग ट्रेडिशनल कंपनी ओमेगा 3 पे काम कर ही रही है, अच्छी चीज भी है, लेकिन इन्होंने क्या किया, ओमेगा 3 कोएंजाइम Q10 साथ में इन्होंने गायत्री एक्सट्रैक्ट अर्जुना जो भी आपको एक सही बैलेंस डाइट चाहिए आपके हार्ट के लिए, वो सब कुछ एक बैलेंस फॉर्म में मॉलिक्यूल लेवल पर दे दिया है,
अब ये कॉम अब नेटवर्किंग की बात करूं तो शायद ये बात हर आदमी डुप्लीकेट नहीं कर पाएगा नीचे, लेकिन इन्होंने उसको भी आसान बना दिया, उसका नाम ही रख दिया हार्ट फ्यूल, अगर करो नाम रख दिया हार्ट फ्यूल। अब नीचे एक भाई साहब है जिनको ज्यादा हेल्थ के बारे में चर्चा करनी नहीं आती, लेकिन उनको कोई बोलता है भाई साहब मेरे पिताजी को थोड़ा सा किसी डॉक्टर ने बताया कि कोलेस्ट्रॉल थोड़ा इनबैलेंस है, तो आप पर ज्यादा समझदार होने की जरूरत नहीं है, आपको क्या लेना है हार्ट फ्यूल। तो प्रोडक्ट मेरी बड़ी अच्छी लगी मुझे, फिर जब मैंने यूट्यूब पर सर्च किया हर्बल फूड सूटिकल क्या होता है, अच्छा ये नई बात सुनी मैंने हर्बल फूड सूटिकल, तो यूट्यूब पर सर्च किया कुछ होता ही नहीं है, यूट्यूब पर देखा कुछ होता ही नहीं है, और वहां पर एक वीडियो आई ओके लाइफ के अंदर डॉक्टर विक्रांत अग्रवाल ने अपनी एक टर्मिनोलॉजी यूज की है हर्बल फूड सूटिकल, ये कोई बात नहीं क्या सबसे पहले वीडियो। तो फिर मेरे दिमाग में एक चीज आई, मैं कहा यार ये न्यूट्रोसिटिकल तो कभी किसने किसने बनाया होगा नाम न्यूट्रोसिटिकल फार्मास्यूटिकल, तो अगर ओके लाइफ ने एक नया नाम को इन्वेंशन दिया तो अच्छी बात है, बुरी बात है इन्वेंशन बाय ओके लाइफ केयर, इन्वेंशन बाय ओके लाइफ केयर। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे एक ऐसा पूछ रहे हैं सर तीन महीने अगर कितने एक्टिव बोनस करेंगे तो चौथे महीने से कंसिस्टेंसी स्टार्ट होगी, देखो तीसरे महीने जितना करेंगे ना उतनी मिलेगी, तो तीन अच्छा पंद्रह दिन में प्लान भी गलत बताता रहा तो भी लोग बिजनेस करते रहे, इससे समझ में आने पर दादा लोग प्लानिंग देखते भरोसा देखते प्लान भी गलत बता रहा था और लोग बिजनेस नहीं कर रहे थे, लोगों को प्लेआउट भी बन रहा था पहले नहीं से। जब मेरे हैदराबाद से दोस्त आए तो मैंने कहा यार मुझे आज तक याद है यार दो महीने पहले जब आप होटल में मिले थे और आपको मैं प्लान बता रहा था और आप हाँ और आप प्लान देख रहे थे तो टोटल गलत बता रहा था, बोले सर हमें लग रहा था लग रहा था। तो अल्टीमेटली आज की डेट में दोस्तों हमें तीन महीने पूरे हो चुके हैं, अच्छी बात क्या हुई मैं बुरी नहीं बोलूंगा, अच्छी बात क्या हुई मैंने 22 साल प्रीमियम सेगमेंट में काम और हेल्थ एंड वेलनेस के अलावा मैंने कुछ छेड़ा नहीं। फिर जब मैं उसके लाइफ के अंदर आया तो लोगों ने मुझे बोला कि आप उसको मिट बतरा राइस ब्रांड ऑयल को चला, आप सुमित बत्रा शैम्पू बेचेगा, आप सुमित बत्रा सर पे लगाने वाला तेल बेचेगा। तो फिर मुझे जितने किसे बात करता था मैंने बोला ऐसा बोलते यू कैरी ऑन यू कैरी ऑन, कुछ बातें होती थी हमारी। अच्छा फिर मैंने देखा यार ना मैंने राइस ब्रांड के बारे में आज तक एक बार बोला किसी को खरीदने के लिए, ना मैंने शैम्पू के लिए किसी को बोला किसी को मेरी टीम में जरूर बैठे शैम्पू खरीदो, मैंने किसी को बोला सर पर लगाने वाला तेल लो, मैंने बोला कभी घर पे जो डिटर्जेंट पाउडर यूज करते हो वो लो, मैंने बोला कि घर में जो वो यूटेंसिल्स को साफ करने के लिए आप जो यूज करते हो या विम बार को साफ करने के लिए वो लो, मैंने बोला आपको क्या चाय पत्ती को फेंकी लो, मैंने बोला आपको, मैंने किसी को ये बोला कि भाई तुम फेस वॉश नीम तुलसी ही यूज करो, मैंने बात की हमेशा न्यूट्रिशन के ऊपर क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन। अब अगर आपको ओके लाइफ में भी चाय पत्ती मार्केट से सस्ती मिल रही है और मार्केट से बढ़िया मिल रही है और उसमें भी इनकम मिल रही है तो आप अपने आप लोगे ना भाई, मैं थोड़ा प्रोग्राम को लेने के लिए अब राइस ब्रांड ऑयल सावन का महीना है भाई पकौड़े बन रहे होंगे, मैं होना कह रहा था तुम राइस ब्रांड ऑयल ओके करो फायदा मिल रहा है, फायदा मिल रहा है ना मार्केट से सस्ता मिल रहा है जी, मार्केट से सस्ता मिल रहा है, उसमें बीवी मिल रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी भी मिल रही है भाई साहब, आप तो हफ्ते ले रहे मैं आपको हर्बल फार्मास्यूटिकल प्रमोट कर रहा हूँ और जो शायद आज प्रोडक्ट आने वाले हैं कल से मैं उसमें हंगामा करूंगा आपके पास, प्रोडक्ट तो हमारे सीईओ सर ही अनाउंस करेंगे लेकिन हंगामा कल से होगा। तो
हंगामा नहीं होगा इस बार, कोहराम। तो फाइनली फ्रेंड्स, जितने भी आज हमारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप राइस ब्रांड ये सब जो भी प्रोडक्ट हमारे एफएमसीजी के हैं आप लीजिए, लेकिन मेरे को आपको एक वादा करना पड़ेगा, लेंगे ओके कहीं, लेंगे ओके कहीं, लेकिन मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आप लेंगे, लेकिन जब भी आपके घर में चाय बनेगी ओके की बननी चाहिए, जब भी राइस ब्रांड ऑयल होगा ओके का होना चाहिए, कपड़े धुलेंगे ओके के होने चाहिए, उसके लिए टेंशन करो जो भी है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। हर्बल फूड सिटिकल का मैं प्रमोट करूंगा, न्यूट्री ये जो हर्बल न्यूट्री सिप्स मैं प्रमोट करूंगा, इन पे मैं बात करूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं, दोस्तों मुझे एक चीज का बड़ा इंस्पायर किया अभी इन दिनों में, देखिए जी एक बात, अच्छा मार्केट में जब मैं आया ओके में, तो कुछ लोग ना बड़ा कमाल का बोल रहे थे ओके के बारे में, उन्होंने सोचा कि ऐसी बातें करके मेरी स्पीड थोड़ी सी रुक जाएगी। अच्छा कमजोर लोगों की स्पीड रुक भी जाती है ऐसी चीजों में ना, जो अड़चने आती है, तो मुझे लगा यार ये इतनी बातें क्यों करती होंगे के बारे में, तो मैंने थोड़ा सा इसको समझा, तो मैंने कहा यार सबसे ज्यादा नफरत या सबसे ज्यादा अगेंस्ट किसके बोलता है इंसान, तो सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। आप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, किसी भी इंसान से तभी उसका समाज उसका परिवार या उसकी कम्युनिटी उसके अगेंस्ट बात करती है जब वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होता है, जिससे खतरा बाकियों को हो जाता है। तो मैंने देखा यार कहीं ना कहीं ओके लाइफ के खतरा तो पैदा कर रही है लोगों के अंदर। यार एक बात बताओ, सूर्य सिन्हा जैसा नाम ओके लाइफ केयर में जुड़ना अपने आप में सूर्य उदय है, इंडिया की या दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाएंगे। अभी क्या बोला यहां पर उन्होंने, हम इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पेयर अपने लीडर को कमाएंगे। अरे वाह, दोनों बातों में फर्क है यार, फर्क है दोनों बातों में, राइट। तो यहां पर चीजें मुझे बेहतरीन लगी, प्रोडक्ट के प्राइस, प्रोडक्ट की पैकेजिंग, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, क्वालिटी, इंग्रेडिएंट्स, एवरीथिंग इज आउटस्टैंडिंग, एवरीथिंग इज आउटस्टैंडिंग। नाउ कॉन्फ्रेंसेशन प्लान कुमार, एंड आई वुड लव टू थैंक्स आवर सीओओ इब्तुल्ला शरीफ सर, जिन्होंने डीके जी ने दोनों ने मिलकर ओके एकेडमी एक कमाल का एजुकेशन सिस्टम बनाया, और मैं सच बता रहा हूं जितनी मेहनत ये लोग एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कर रहे हैं, मुझे लगता है अगर दो साल में किसी भी एक नए डायरेक्ट सेलर ने ओके एकेडमी के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर लिया, सिर्फ फॉलो कर लिया, चुपचाप फॉलो कर लिया, तो वो वहां पहुंच सकता है जहां पहुंचने के लिए वो यहां आया था। दो साल जो मैंने अभी बोला था उसमें जो सबसे अच्छी चीज इंस्पायर किया, अभी कुछ दिन पहले हमारे एक मित्र थे जिन्होंने घर वापसी की है ओके, आई वुड लव टू टेल दिस, मुझे अच्छी बात जो लगी, सबसे अच्छी बात जो लगी मुझे, ऐसा हम भी ना एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में थे, इससे पहले हमने बहुत सारे बड़े कारणों की वजह से वहां से हमें एक ऑफिशियल रिजाइन देना पड़ा, कारण बहुत सारे थे, एंड आई स्टिल हैव अ ग्रेट रिगार्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कारण लेकिन बहुत भयंकर थे, वो बताने लायक नहीं है यहाँ पे ओपनली, भयंकर कारण थे, बताने लायक ठीक भी नहीं है। बट जैसे ही हमने वहां पर रेजिग्नेशन दिया, तो अगले दिन से सुबह से वहां पर ट्री शिफ्ट होकर सब इसका उसको दे दिया, उसका इसको दे दिया, इसको उसको दे दिया, उसको उसको दे दिया, मतलब सबके पिताजी बदल गए, सबके मतलब पुराना बाप मिलेंगे किसी को। I was surprised, I was surprised, यार ये क्या हो रहा है यार। अच्छा मैंने थोड़ा, मैं इतना जल्दी पैनिक नहीं होता या मैं थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव नहीं, गुस्सा नहीं करता मैं चीजों में, बट मैंने ना पोस्ट डाल दी लोगों ने, मुझे पता चल रहा फिर फोर डिलीट भी कर दी, क्योंकि मेरे को मैं सोशल मीडिया था मैं पर डाल नहीं सकता कभी ऐसी चीजें नेगेटिव, मैं नहीं चाहता कोई गलत दिखे या कोई गलत बात आ रहा है, पॉजिटिव रहो लाइफ में, वो ठीक नहीं है, पोस्ट डाली डिलीट, क्योंकि मैंने कहा यार मैंने 600 दिए वहां पर यार मैं कैसे लिख दूँ, लेकिन
वो ट्री बड़े से जो जानते नहीं दूसरे को, वो जानते नहीं अपने को, राहुल नहीं जानता, डॉलर को अपने नहीं जानता, कुछ काम करना चाहता। फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक हमारे दोस्त का सागर जी जो बहुत अच्छे लीडर, अच्छी बात जो मुझे लगी, इन्होंने घर वापसी, कंग्रेचुलेशंस ब्रदर, कंग्रेचुलेशंस, इन्होंने घर वापसी करी। और जब घर वापसी करी तो मुझे मैं ऐसे पूछ लेती थी कर पाएंगे भले क्या उसको लॉन्च किया जाए yes!
ऐसे नहीं यार, आपने अपने सीनियर्स के लिए बहुत तालियां बजाई, आरएमडी वालों के लिए भी बजानी पड़ेगी। वो काम करेंगे आज उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। मैं पहले इनवाइट करना चाहता हूं हमारे साथ एक यंग, इसे कहते हैं हाउसफुल इवेंट, इसे कहते हैं हाउसफुल इवेंट। अभी तक देख लो सीटें भरी, सीटें अभी भी भर रही हैं। का नाम है रिचन स्की। 6 बज गए, 6 तब भी पेज पे भी आप देख सकते हैं उत्साह में काफी है। आपके पास ऑडियंस है? नहीं है, एक भी रहता है। यस, एस्थेटिक सर्जन जिसको बोल सकते हो, और जो सुंदरता बढ़ाने वाले डॉक्टर होते हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी आप उनको बोल सकते हो, और एक यंग डॉक्टर, बिल्कुल चार्मिंग पर्सनालिटी को मैं इनवाइट करना चाहता हूं। पर हम अपने गेस्ट का स्वागत इस इंडस्ट्री में कैसे करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये दिखना चाहिए। यस, अलाउ टू वेलकम डॉक्टर इंदु सिंह ऑन द स्टेज फॉर द फ्रंट वॉचिंग। आपने इतना पेशेंसली सुना कि एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पहले प्रोडक्ट लॉन्च से पहले हमारी इंडस्ट्री कैसी लगी? एकदम से आपने प्रोफेशनल, अलग अलग टाइप का प्रोफेशन है, कैसा? एक वर्ड में यदि आप बोलना चाहे तो सुपर्ब। आई वुड से गाइस, आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल द मोटिवेशन इनसाइड यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। So, एक माइक हमें प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि डॉक्टर साहब से भी हम अपने प्रोडक्ट के बारे में इनपुट्स लेंगे, क्योंकि यही एक्सपर्ट है स्किन के। अच्छा था आपका। स्क्रीन पे प्ले कर देंगे आप हमारे लिए, एक बार इस टीम के लिए मैं जोरदार तालियां बनती है ना। यस प्लीज, हमारे टेक्निकल स्टाफ के लिए एक बार जोरदार तालियां, ये हमारे लिए अच्छा एनवायरमेंट है। थैंक यू। यस गाइस, आपकी स्क्रीन पे आपको और ब्यूटीफुल बनाने वाला प्रोडक्ट कंप्यूटर जी ने पेश कर दिया, अमिताभ बच्चन वाले न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग। और इसको मैं कोलाजन, आप सब लोगों की क्लैपिंग के साथ कोलाजन फॉर स्किन, एक बार हाथ उठा के इस प्रोडक्ट लॉन्चिंग सेशन को हरी झंडी दिखाएं। और लुकिंग यंगर, आप चाहते हैं? यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और पहले विक्रांत जी, पहले युद्ध जब शुरू होता था तो हम अक्सर एक लाइन बोलते थे, याद है? यलगार हो, तेरी तो सेल बढ़ गई, तेरी तो सेल बढ़ गई। कब शुरू हुआ? और विक्रांत जी, ये जो हम प्रोडक्ट में देकर आए हैं, मेरा फायदा होना चाहिए ना यहाँ पे। जो डिस्प्ले टीम है, जब तक प्रोडक्ट दिख नहीं जाए तब तक पीछे नहीं आना। यस राइट। दूसरा, वन आफ्टर वन जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं, उधर वाला लोगों को मुझे लगता है अगर हम थोड़ा सा इग्नोर करें और उनको गैस करने का भी मौका दें कि अगला प्रोडक्ट कौन सा आने वाला है, क्योंकि आज तो इन्हीं के लिए रहा। हेलो, थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेके आए, राइट? तो अभी इसको लॉन्च कर लेते हैं, क्योंकि yes. इनको तो पता ही है। yes. हमने स्पेशल इनवाइट किया था। प्लीज प्लीज, डॉक्टर साहब आपसे बस हमारी ऑडियंस पूछना चाहते हैं, एज ए स्किन एक्सपर्ट, आपकी जो फॉर्मूला देखे हैं, जैसे लास्ट 5-6 महीने हम क्लिनिक पे बैठे थे, आपके सामने कोलाजन की बात हुई थी मेरी, राइट? हम क्यूक्यूमिन की भी बात कर रहे थे, बायोटिन की भी बात कर रहे थे, क्या आपको लग रहा है हम जो डिस्कस कर रहे थे इसमें है? स्क्रीन एक बार स्क्रीन में सही नहीं आ रहा है, देखिए 7 ग्राम प्रोडक्ट लेके, हाँ प्रोडक्ट भी दे दीजिए प्लीज, 7 ग्राम कोलाजन पेप्टाइड, यानी कि मैराइन सोर्स से, मैराइन सोर्स 7
ग्राम पर सर्विंग में इसका कोलाजन पेप्टाइड फॉर्म में है और विटामिन सी जो है जैसे कि आप जानते हैं आंवला खाना स्किन के लिए और हेयर के लिए क्या होता है क्यों होता है बिकॉज विटामिन सी कंटेंट उसमें ज्यादा इसलिए सिट्रस फ्रूट खाने से स्किन की हेल्थ अच्छी होती है सो विटामिन सी आपको दिन में जितना चाहिए पर डोज में वो फुल है 100% आरटी वैल्यू डाली हुई है एक स्कूप में अपार्ट फ्रॉम दिस अनदर सुपर्ब जिसको आज के टाइम पे आप बोल सकते हैं एक इंग्रेडिएंट जो सोशल मीडिया पे इतना छाया रहता है माय डियर फ्रेंड्स वो उस इंग्रेडिएंट का नाम है बायोटीन और बहुत सारी फीमेल्स यंगेस्ट एंटरप्रेनर अपने हेयर्स को अच्छा बनाने के लिए सप्लीमेंट के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा या खाया होगा से सुनो अब ना सुनने की जरूरत है ना आपको इंतजार करने की जरूरत है बिकॉज 100% आरडीए वैल्यू जो आपको पूरा दिन में चाहिए वो एक स्कूप में मिलने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स कोलाजन के साथ बायोटिन 100% विटामिन ई स्किन के लिए आपने सुना होगा विटामिन ई भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है 100% जो आरडीए वैल्यू पूरे दिन में जो विटामिन ई आपको चाहिए वो पूरा का पूरा एक स्कूप में मिलने जा रहा है और साथ में हम हमेशा बात करते हैं हर्ब्स की करो क्या बात करते हैं हर्ब्स की हम बात करते हैं और इसमें फंक्शनल हर्ब्स के रूप में क्यूर्कुमिन डाला गया है पर सर्विंग 500 mg माय डियर फ्रेंड्स कितना 500 mg तो मैं सीधा एक्सपर्ट से पूछ लेता हूं यदि ये सारी चीजें इसमें हो डॉक्टर इंदु आपका क्या कहना है I would love to take this first because I love my skin and want these type of products in marketing. That's an amazing formula, Dr. Vikrant. I'm so surprised. And obviously, to everyone, you know, collagen is the best thing to take. If you want your skin, your joints, your nails, your hair to be healthy, so it is the best and perfect formula to take. Thank you so much, Dr. Vikrant. So, मार्केट में आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट हैं कोलाजन की एक बड़ा मार्केटिंग वाले है जैसे हमारे मारुती बैठने ना ये कुछ भी प्रमोट कर सकते हैं एक आता है प्लांट बेस्ड कोलाजन आपको लगता है वो इफेक्टिव होता है ऑब्वियसली कितना होता है राइट देखिए सबसे बेस्ट सोर्स जो होता है कोलाजन पेप्टाइड का वर्ल्ड का बेस्ट सोर्स होता है मैराइन कोलाजन कौन सा नारायण कोलाजन पेप्टाइड फॉर्म में हो पेप्टाइड का मतलब क्या होता है एक इतनी बड़ी चीज थी उसको छोटा छोटा कट कर दिया गया कि आप खाओगे इजीली अब्जॉर्ब हो जाएगा और मिनटों में आपको क्या करेगा नरिशमेंट देना स्टार्ट करेगा सो मुझे लगता है कि ये हॉटेस्ट प्रोडक्ट है आपका आपका क्या कहना है एक्सपर्ट You should take this even all the youngsters, even the people who are having some joint issues, who are facing the bone loss or something, they are not getting the muscle mass, so they can go for it. It's the perfect thing to take collagen. Vikrant ji, आप लोग थोड़ा सा क्लासेस से अगर मासी हो जाएं, अभी होने वाले हैं, तो बाकी जितने लोग बैठे हैं ना, वो समझ पाएंगे. अभी तो मैं टेंशन में हूँ, तो मैं समझ पा रहा हूँ. मतलब हमने हिंदी में बताना है नाश्ते के बाद लेना है हमने मतलब सुबह का नाश्ता कुछ सुबह का नाश्ता नहीं करते नाश ता करते हैं पहले नाश कर लेते फिर ता करते ज्यादा खाते हैं ऐसा नहीं करना है डाइट कंट्रोल करनी है ब्रेकफास्ट के बाद आप इसको यूज करते हैं तो आपकी स्किन की जो रिकवरी है वो ज्यादा बढ़ जाती है कितना कितनी बड़ी मार्केट हो सकती है आने वाले टाइम में इस प्रोडक्ट की एज एक्सपर्ट आप बात करें दिस इज लाइक इफ आई नो इवन आई एम आल्सो गोइंग टू वर्क इन दिस विद डॉक्टर विक्रांत वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द प्लान So I would say this is like a miracle or magic, you know, which will take you to the heights. And you know, people nowadays are going towards this thing so much just because they are getting the results. And you, if you are getting these things very easily, so it's a very perfect thing. What all you need? Thank you so much. Training, we will continue. And
सर इसके लिए मैं चाहता हूँ न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग करने के लिए, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग फॉर स्किन केयर अल्टीमेट मार्वेलस प्रोडक्ट, क्योंकि इन्होंने मेरा पिछले दो महीने से स्किन 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 करके पीछे लगे हुए थे। आपका प्रोडक्ट सर बास्केट में, हमारा प्रोमिस पूरा मैं के हाथों से आपने अनवील करवाना।